अब हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन के केक के पार्ट टू में। ये कैसे करनी है, स्क्वायर रूट निकालना होता है ऐसे नंबरों को, तो ये कैसे निकालेंगे। अभी आसान से स्क्वायर रूट दे दिए जाते हैं, जब कि 16 का निकालो तो 4 निकाल दिया, 256 का निकालो तो 16 निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये नंबर ये है, इसको स्क्वायर रूट निकालना। अब इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, देखने में इतना ज्यादा टफ लग रहा है, अगर हम इस पर स्क्वायर रूट लगा दें तो इसको समझ में ही नहीं आएगा इसको निकाले कैसे। लेकिन ये बहुत ही इजी है। हमको देखना क्या है कि जो रूट के अंदर नंबर है, इस रूट के नंबर को मल्टीपल के फॉर्म में चेंज करो। किस फॉर्म में चेंज होगा, 10 किस में होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 होता है। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, ये साइन देखना है, जो भी ये लगा हुआ है इसमें रूट लगा दो, यानी रूट टू। फिर यहाँ पे जो ये 5 था इसमें रूट 5 लगा दिया। प्लस ऊपर देखना है कि इस जगह पर साइन क्या है, यहाँ पे साइन था पॉजिटिव तो हमने लगा दिया पॉजिटिव, यही हमारा आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 8 माइनस 2 रूट 15 सेम वे, यहाँ पे भी रूट के अंदर वाले वर्ड को हम मल्टीपल के फॉर्म में चेंज करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हमें देखना है क्या कि ये क्या लगा हुआ है, रूट 5 लिख दिया फिर रूट 3 लिख दिया। अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो हमने लगा दिया माइनस, यही हमारा आंसर। थैंक यू, आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे कर। थैंक यू।